मुंबई ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। आर्यन खान मन्नत में मनाएंगे दिवाली। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। जबलपुर में बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर में गर्भवती महिला समेत 4 की मौत। बैन पटाखों की हो रही खुलेआम बिक्री, खुलेआम बिक्री पर एससी ने केंद्र और राज्यों को लगाई फटकार। योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, कर्मचारियों को बोनस का ऐलान, लेकिन इन्हें ही मिलेगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सहिदा में जनसभा को संबोधित करते हुए 138 मेधावियों को लैपटॉप वितरित किया। लैपटॉप पाने वाले मेधावी छात्रा का कहना है कि लैपटॉप मिलने से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। इस दौरान भाजपा सरकार पर जमकर अखिलेश यादव ने रोष दिखाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मेधावियों के बीच लैपटॉप वितरण नहीं कर रही है, लैपटॉप के स्थान पर टैबलेट देने की बात कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार कौन सा टैबलेट बांट रही है। महंगाई को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, किसानों को कुचला जा रहा है और आज तक मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया गया। अब प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मामला फतेहपुर जनपद के विकास खंड भिटौरा के बेला गांव से है, जहां पर आवास न मिलने का मामला सामने आया है। जो व्यक्ति आवास के लिए पात्र धारक थे, उन लोगों का कहना है कि हमारा नाम सूची में था, किसी नाम से कटवा दिया, जबकि हमारा मकान कच्चा है और हमें आवास मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। एक तरफ सरकार पात्र धारकों के लिए आवास के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग द्वारा सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। आवास न मिलने की शिकायत जब पात्र धारकों ने उच्चाधिकारियों से की तो उच्चाधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सेक्रेटरी को निलंबित कर दिया। हमारे गांव में सबको कॉलोनी मिली है, हमको नहीं मिली। हमारा नाम था लेकिन पता नहीं किसी कारण बस किसी ने कटवा दिया, ये नहीं पता चला किसने कटवाया। और हमारा घर कच्चा है और आप आके देख लीजिए, हम कॉलोनी के पात्र हैं। हमारी कॉलोनी आई और जिनको हमको कॉलोनी नहीं दी गई और जिनको नहीं मिलना चाहिए थे उनको कॉलोनी दी गई, हमारी कॉलोनी काट करके। और जो मंजिल मकान बना हुआ है उनको भी दो दो तीन तीन कॉलोनी दी गई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बचाव किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री के मुताबिक मुल्क में शराब पीने वालों को जेल भी नहीं भेजा जाता है, लेकिन कानून में एक प्रावधान है कि ड्रग्स का सेवन करने वाले लोगों को जेल भेजा जा सकता है। इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं के सेवन करने वालों को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेज देना चाहिए। और क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको जानते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां रामदास अठावले का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को तब्दील करने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंत्रालय को लगता है कि नशीली दवाओं का सेवन करने वालों को जेल भेजने के बजाय सुधार गृह भेज देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ जाता रहे है, वैसे ही सियासी दल अपने अपने कार्ड खोलने में जुट गए हैं। पहले जातीय समीकरण साधने के लिए सियासी दल अपने अंदाज में काम कर रही है, लेकिन उधर पीएसपी के पूर्व मंत्री अकील उर्फ़हमन को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। संबल में बसपा के कदवा नेता पूर्व मंत्री अकील उर्फ़हसन खां को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है।
मेरा कुछ नहीं कहना है। बीएसपी ने अपने आप को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, ये आपको महसूस हो जाएगा, चूँकि बीएसपी ने ये मैसेज कन्वे कर दिया कि 29 साल की वफादारी से काम करने का भी कोई सिला नहीं होता है। तो जो इससे कार्यकर्ता है पूरे प्रदेश लेवल के, वो सभी डिस्करेज होंगे, और जब डिस्करेज होंगे कार्यकर्ता हटेगा तो पार्टी का जाहिर क्या नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं के दम से पार्टी चलती है। तो जो कुछ भी फैसला मेरे लिए पार्टी नेतृत्व ने किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीते दिनों जिले में कई बाइक रैली निकाली गई थी, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षकों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान आज जिला मुख्यालय में आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए शिक्षक और कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी शिक्षकों व अधिकारियों में भारी रोष भी देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस लड़ाई में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पेंशनर्स मंच का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया था, जिसमें राज कर्मचारियों के सभी संघ, राज कर्मचारी संयुक्त परिषद, महासंघ, सारे पदाधिकारियों का एक संगठन था, जिसमें समता कर्मी, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवा, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, सिंचाई संघ, सारे संगठनों को लेकर आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हमारा मेन मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अन्य मांगे हैं जो हमारे मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। केंद्र सरकार और राज्य सरकार शहर से लेकर गांव-गांव तक के चहुमुखी विकास का दावा करती है, पर यह दावा जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते धरातल पर हवा हवाई साबित हो रही है। धरातल पर आलम यह है कि विकास के दावों का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के विकास की तो कुछ कहने ही लायक नहीं है। यह जिम्मेदारों ने इतना विकास करा दिया है कि विकास की गंगा बहने की कगार पर है। आलम यह है कि कहीं सड़कें गड्ढा युक्त हैं तो कहीं दलदल भरी गलियां, तो कहीं कूड़े के ढेर और कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो यहाँ के विकास और सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। यहाँ कीचड़ ज्यादा रहता है ना, 12 महीने कोई निकल नहीं पाता है, गाड़ी वाले भी फंस जाते हैं, ट्रैक्टर वाले फंस जाते हैं, कोई समस्या सुनता नहीं है यहाँ पर, क्या किया जाए। बाकी सर ये समस्या है कि रास्ता बहुत कीचड़ भर रहा है, बच्चे हैं तो बच्चे खप जाते हैं, औरतें हैं पानी भरने में गिर जाती हैं, खप करके जाती हैं पानी लेके, कभी कभी तो पानी उनकी बर्तनों में गंदा भी भर चला जाता है, और आम लोगों को यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी पड़ती है। बाहर के लोग हैं, किसी को मेन रास्ता है पता नहीं इसी रास्ते। हाथरस जिले के सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला बेरी के रहने वाली एक व्यक्ति का 3 साल का बच्चा आदित्य खेलते खेलते घर से लापता हो गया। जब काफी देर आकाश को अपना बेटा दिखाई नहीं दिया तो उसने खोजबीन शुरू की गई। परिजन और ग्रामीण जब बच्चे को ढूंढते हुए तालाब पर पहुंचे तो मासूम का शव तालाब में तैरता हुआ दिखाई दिया। ग्रामीणों के द्वारा काफी कोशिशों के बाद बच्चे के शव को तालाब से निकाला गया। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वही मौके पर ग्रामीण महिला पुरुषों की काफी भीड़ जमा हो गई। फतेहपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बनारस गए 122 पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई की। ड्यूटी खत्म कर 31 घंटे बाद लौटने पर एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया और प्रारंभिक जांच की। एसपी के कार्रवाई के रडार पर 20 एसआई और 24 हेड कांस्टेबल व 78 कांस्टेबल आए हैं। फतेहपुर जनपद से वीवीआईपी ड्यूटी के लिए काफ़ी कर्मचारी गए हुए थे बाहर जनपद में ड्यूटी के लिए, लेकिन समय से न आने पाने के कारण काफ़ी इन्होंने विलंब किया। रवानगी बहुत पहले हो गई थी और ड्यूटी पहले समाप्त हो गई थी, इसके बावजूद लगभग 31 घंटे यूपी के हमीरपुर जनपद के इश्का गार्डन के चारों तरफ शादी की धूम थी, लेकिन तब दहेज की मांग को लेकर बारात दुल्हन के लिए बगैर ही आधी अधूरी रस्मों के बीच वापस लौट गई, जिसके बाद वधु पक्ष के बीच हड़कंप मच गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। ये घटना हुई कि कल रात में शादी भांजी की हुई थी, बारात आई थी, सगाई में हम 2 लाख रुपए कैश
पता नहीं क्या नोटिस दे चुके थे। कल ये लोग आए हैं तो 3 लाख रुपए कैश और गाली की इन लोगों ने मांग की है। गाली आते ही गाली गलौज करने लगे तो उनको बोला गया कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा, पलाट लेके इतना लिया दिया जितना होता हमने आप लोगों को किया, नहीं माने वो आधा दहेज ले गए और दहेज लेके वो लोग चले गए। थे नकाह भी किया, दहेज लेके वो चले गए, कहते हमको नहीं ले जाना है। तो भैया हमने 2 लाख रुपये दिए थे बकियात में, 3 लाख की और मांग कर रहे थे हम नहीं। जालौन में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मैनेजर से पिस्टल के बल पर लूट की गई। बदमाशों ने पिस्टल के दम पर मैनेजर से 19 लाख रुपए लूटे। वहीं लूट से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि पेट्रोल पंप का रुपया जमा करने के लिए पंप मैनेजर माधवगढ़ जा रहा था। पाहुज नदी पर कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील की ग्राम पंचायत बल्लीपुर में आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। दर्जनों घर गर कर पानी पर तब्दील हो गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी इन गरीब किसानों की सुध लेने नहीं पहुंचा। बता दें कि ग्राम पंचायत बल्लीपुर में किसान के घर गिरे पड़े हैं, खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 8 दिन से हम लोग रोड पर किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहां पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। मथुरा में गुरुवार को कर्मचारी शिक्षक अधिकारी और पेंशन अधिकारी मंच उत्तर प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, मिनी कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई संघ, लोक निर्माण और विभाग, ग्रामीण श्रम विभाग सहित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के समस्त घटक संगठन शामिल थे। उनकी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और वेतन विसंगतियों समाप्त करते हुए भत्तों के संबंध में मुख्य मांग थी। मैं जिला अध्यक्ष शिक्षा मित्र संगठन, मेरा नाम खेम सिंह चौधरी है। आज कर्मचारी अधिकार मंच के तहत एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। 5 तारीख को मोटरसाइकिल रैली हुई थी 5 अक्टूबर को, उसी में आज का धरना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 के घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों से स्थायी करने का वायदा किया था, लेकिन जैसे ही सरकार बनी, सरकार ने शिक्षा मित्रों को जो 40,000 रुपये सहायक अध्यापक बने थे, 40,000 उन्हें वेतन मिलता था, उन्हें उठा के 10,000 कर दिया गया और हमारा समय रद्द कर दिया गया। मैं रामवीर शर्मा, जिला अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, प्रधान महासचिव कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पेंशनर्स मंच जनपद मथुरा। आज हमारा जो प्रांतीय आह्वान पर द्वितीय चरण का आंदोलन है कर्मचारी और शिक्षकों का, हमारी जो पुरानी पेंशन जो अप्रैल 2005 से जो हमारे साथी सेवा में आए हैं उनको नहीं मिल रही है, तो हमारा जो अधिकार मंच है ये मांग करता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू हो। आगरा में पटाखा बाजार लगाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि व्यापारियों की आर्थिक स्थिति सुधार के लिए पटाखा बाजार लगाए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पटाखों के धुएं से डेंगू और अन्य बीमारियों के संक्रमण खत्म होने की भी हवाला दिया है। आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने आज ज्ञापन दिया है पटाखा व्यापारियों के सम्मान में। जैसे नोटबंदी हुई थी एकदम अकस्मात इन्होंने पटाखे बंद कर दिए, इन्होंने लाखों रुपए का कर्जा लेके व्यापार का धंधा खोला था, किसी को बच्ची की शादी करनी है, किसी को फीस भरनी है, आज एकदम इनको भूख की कगार पे लेके आ गए हैं डीएम साहब। अगर डीएम साहब ने इनको परमिशन नहीं दी तो भूख हड़ताल पर अनिश्चितकाल पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ये अपने पटाखा व्यापारियों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ। बलिया पुरानी पेंशन बहाली समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। डीएम कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में राज कर्मचारी और शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं।
पूरे देश और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का यह मांग है। पुरानी पेंशन से लेकर के कई सूत्री मांगों के सापेक्ष पूरे प्रदेश में एक साथ 75 जनपद में जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरनारत शिक्षक और कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोईया है, संपूर्ण लोग धरने पे है और उनका पुरानी पेंशन हक है। एक दिन जो विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करता है, जो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करता है, उसे पुरानी पेंशन का लाभ मिलता है, पेंशन मिलता है, लेकिन हमारा कर्मचारी 60 और 62 वर्षों तक सेवा करने के उपरांत भी इस पेंशन से वंचित रहता है। संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह दौड़ लगाने के लिए निकले युवक का शव मिलने से सूचना ग्रामीणों ने युवक के परिजनों को दी है। सूचना मिलने ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिकंदराबाद के कनकपुर गांव का रहने वाला था ये मृतक। चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक के गोरारी गांव के सालों से जर्जर मार्ग पर नवनिर्माण को लेकर ग्रामीण उत्साहित हैं। वहीं गांव के अन्य मार्गों के निर्माण की मांग ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान से की। कई सालों से पड़े क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण होने से आने जाने में सहूलियत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।